अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामुन अला मल्ला नबी अबादा साहिब ताज वल मेराज सैयद इंस वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज व समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन मनकूशुन मरफून फिल इंजील व तौरात या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरमाल दयाले लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला। बस मोमिनो शौक़े दुरूदो सलाम अच्छा है, मोमिनो शौक़े दुरूदो सलाम अच्छा है, बाद अज खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अच्छा है। और कह रही थी हूरें बिलाले हबशी को देखकर कि दुनिया के बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाजरीन और नाजरीन, हर किस्म की हमदो सना अल्लाह जल्ला जलालहू की जाते गिरामी के लिए। अनगिनत ला तादाद बेशुमार बेहदो हिसाब पानी के कतरात और रेत के जर्रात से ज्यादा दरूदो सलाम मेरे और आपके आका हबीबे कौनैन रसूल सकलैन ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की जाते गिरामी पे बेशुमार अनगिनत ला तदाद दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम कायनात के खालिक व मालिक ने इंसानियत के ऊपर एहसान किया और मेरे रब ने कहा लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला। सिर्फ मेरे और आपके ऊपर नहीं, मेरे महबूब पैगंबर के दौर से लेके अब तक और अब से लेके कियामत तलक अल्लाह ने पूरी कायनात के इंसानों पे फजल इनाम और एहसान फरमाया और मेरे रब ने हम जैसे गुनाहगारों के लिए ये मनसब और हमें एजाज बख्शा। हम उस नबी का कलमा पढ़ेंगे जिनका कलमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह बड़े बड़े गुनाहगारों को मुआफ करके अपनी जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देगा। हजरात मेरे आका आए, मेरे महबूब पैगंबर तशरीफ लाए, मैं समझता हूं वो मुसलमान मुसलमान नहीं, वो मोमिन मोमिन नहीं जिसको हुजूर के आने की खुशी ना हो। हुजूर के आने की खुशी हर बड़े को है, हर छोटे को है, हर बुजुर्ग को है, हर जवान को है और हम सबको भी हुजूर के तशरीफ लाने की खुशी है। क्यों जी है? सबको है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं मेरे आका की खुशी हर मोमिन को है, हर मुसलमान को है। और मैं एक मिसाल दे के अपनी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। खुशी हर मोमिन को है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब घर में मेहमान आए ना, किसी के घर में मेहमान आए तो पता क्या होता है, बड़े लोगों को भी खुशी होती है, छोटे बच्चों को भी खुशी होती है मेहमानों के आने की। हां, मेहमान तशरीफ लाए, बड़े लोग कहते हैं मिल बैठेंगे
दुख सुख शेयर करेंगे, अपनी सुनाएंगे, उनकी सुनेंगे। और जो बच्चे होते हैं ना, उनके दिन में ये ख्याल जाता है, मेहमान आया है, इसके हाथ में शापर कितने हैं, केले लेके आया, सेब लेके आया, अंगूर लेके आया। अगर मेहमान अपने हाथों में शापर लेके आए फलों वाले, ये बच्चे बड़े खुश होते हैं, साथ वालों को भी बताते हैं हमारे घर आज मेहमान आया है। लोगों, सच्ची बात यह है, हुजूर के आने की खुशी मुझे भी है और उनको भी है। फर्क सिर्फ इतना है, हमें खुशी सियाने और दना लोगों वाली है और उन्हें खुशी बच्चों वाली है कि वो देखते हैं आज कितनी देगें पकेंगी, क्या क्या पकेगा, क्या क्या मिलेगा। आओ, बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूं, खुशी है। हमने कहा हमारे आका आए, हमारे महबूब तशरीफ लाए। आका हमारे लिए मैसेज क्या लाए हैं, पैगाम क्या लाए हैं। और सुनो, हर नबी ने 124,000 के कमोबेश अंबिया इस कायनात में तशरीफ लाए। हर नबी ने 3 मुश्तरका अकीदे अपनी अपनी उम्मत को दिए और वही 3 अकायद सरवर गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिए हैं। पहला अकीदा, अकीदा तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार और बाकी कायनात की सब ताकतों के इनकार का नाम अकीदा तौहीद है। दूसरा अकीदा, अकीदा रिसालत है। और सुनो, महबूब पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए हम गलियों में, बाजारों में, शहरों में, देहातों में हम सारे लोग जमा होके कहते हैं हमारा मिशन ये है, मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान का पैगाम ये है। मेरे फाजल भाई मौलाना नईमुर रहमान साहब शेखुपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला, आप अहबाब को वो ज़दे ज़ुबान तराना सुना रहे थे और हम गाड़ी में बैठ के जब आ रहे थे, बड़ा दिल महजूज हो रहा था वो सुनने के लिए। दिल तो था कि आप अहबाब के दरमियान होते, बड़ा प्यारा तराना, खत्म नबूवत का तराना। और सुनो, हुजूर की खत्म नबूवत का इकरार करना, ये दूसरा अकीदा है जो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया। और तीसरा अकीदा जो महबूब पैगंबर ने तमाम अंबिया का मुश्तरका अकीदा, तमाम नबियों का मुश्तरका बयान किया हुआ अकीदा है आखरत। आखरत वाला पूरा कुरान पढ़िए, पूरा कुरान भी इन 3 अकायद का इहाता करता है। वैसे तो कुरान पाक में बेशुमार अहकाम हैं, अवामिरो नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें कुरान पाक बड़े तफसीली अंदाज में बयान करता है। हर नबी ने, हर रसूल ने, हर पैगंबर ने अपनी अपनी उम्मत को मिशन दिया है। ये जो हमारी कौम जश्न के नाम पे चल निकली है ना, जश्न के नाम पे, मैं समझता हूं अल्लाह के 124,000 के कमोबेश अंबिया तशरीफ लाए, किसी एक नबी का भी जश्न नहीं मनाया गया। बल्कि कुरान पढ़े तो हमें पता चलता है, जनाबे मूसा इस कायनात में तशरीफ लाए, कुरान में लिखा है उनकी वालिदा मोहतरमा, जश्न की तो कैफियत ही नहीं, अपने बच्चे को छुपाते फिर रही हैं, कहीं फिरौन और उसके फौजी देख ना लें, उन्हें पता ना चल जाए मेरे बेटे को कहीं कत्ल न कर दिया जाए, उनकी वालदा छुपा रही है। जश्न कहां पे है? आओ, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए और कुरान कहता है इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा जनाबे मूसा को छुपा रही हैं, उधर जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा खुद छुप रही हैं। मैं लोगों के सामने जाऊंगी, लोग पूछेंगे क्या जवाब दूंगी। सुनो, जब ऐसी कैफियत हो फिर जश्न कहां पे होता है? आओ, अगर कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान तो अकायद की इस्लाह करता है। इब्राहिम नबी खड़े हैं, बैतुल्ला मुकम्मल हुआ,
जनाब इस्माइल को साथ लेके रब से दुआ करते हैं, और रब्बाना वब असफीहिम रसूला, अल्लाह इनमें रसूल भेज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा तो अल्लाह से रसूल मांगा, जब रब ने अता किया, मेरे मालिक फरमाते हैं लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासफीहिम रसूला, मेरे रब ने कहा जो रसूल जनाबे खलील और इस्माइल ने मांगा था वो मैंने अता कर दिया। आओ, मांगा भी रसूल किया है, अता भी रसूल किया गया है। ये तो कौम को मुगालता लगा है ना, उसने हाजत रवा, मुश्किल कुशा, हाजर नाजर, पता नहीं आलिमुल गैब क्या क्या समझ लिया है। हकीकत ये है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनमें से कोई एक सिफात वाला मांगा है, ना अल्लाह ने इनमें से कोई और एक सिफात वाला अता किया है। रसूल मांगा गया है, अल्लाह ने रसूल ही अता किया है। और सुनो, ये बात भी समझने के लायक है, रब से मांगा गया, रब ने अता किया। मैं तो कहता हूं इब्राहिम नबी ने दो दुआएं मांगी हैं, दो दुआएं खुदा की खुदाई के खजानों को लूट लिया है। पहली दुआ मांगी, अल्लाह ने जमजम वाला अता कर दिया। दूसरी दुआ मांगी, दूसरी दुआ वाला आया। क़यामत का दिन होगा, महबूब अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाएगा। ये अल्लाह ने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को शान और मुकाम अता फरमाया। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह ने रसूल भेजा हुजूर के आने की। और मैं समझता हूँ अल्लाह ने जितने भी दीनी ओदे बयान किए हैं, सबसे बड़ा ओदा रसूल का ओदा है। इससे बड़ा और अल्लाह की ज़मीन में कोई बड़ा ओदा नहीं है, रसूल का सबसे बड़ा ओदा है। और अल्लाह ने मेरे महबूब को भेजा, मुझे भी खुशी है, आपको भी खुशी है। लेकिन कोशिश कीजिए, दना और सियाने लोगों वाली खुशी का इजहार कीजिए। हुजूर आए हैं, मैसेज क्या लाए हैं, पैगाम क्या लाए हैं, उस पे अमल की कोशिश कीजिए। मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान के हर बड़े छोटे का ये पैगाम मैं आपकी नज़र करके जा रहा हूँ। हर अल्लाह के नबी ने तीन अकीदे अपनी उम्मत को सिखाए, सरवरे गिरामी ने भी ये तीन अकीदे सिखाए हैं। आइए अमल की कोशिश कीजिए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।